नमस्कार दोस्तों, आपका अपना दोस्त अजीत फिर से आपको स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजीत अंडरस्कोर आईटी में एक न्यू वीडियो के साथ। आज जब आप आपका लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं या रिसेट करते हैं तो आपका इनबिल्ट एमएस ऑफिस 2019 हाउ मेनी स्टूडेंट वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपका एमएस ऑफिस को अनब्लॉक करके फिर से साइन इन करके आप आपका एमएस ऑफिस वर्ड एक्सेल का काम आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं अभी मेरा एमएस ऑफिस को साइन इन करता हूँ मेरा एमएस ऑफिस का अकाउंट आईडी पासवर्ड से। पहला वीडियो में भी आपको बोल चुका था कि कभी आपका लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं या रिसेट करते हैं तो फिर से लॉगिन करने के लिए आपको आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी मेरा पासवर्ड देके साइन इन में क्लिक किया। साइन इन में क्लिक करने के बाद एक एरर आ रहा है जो कि OOPS समथिंग वेट रंग दिखा रहा है। देयर इज ए प्रॉब्लम विथ योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टू फिक्स दिस साइन इन टू account.live.com फ्रॉम एन ब्राउजर। तो मैं account.live.com को कॉपी किया और सिलेक्ट करके अभी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं एक इंटरनेट ब्राउजर को अभी खोल रहा हूँ। इंटरनेट ब्राउजर खोलने के बाद यहाँ जाके मैं अभी पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं फिर सर्च किया। जब मैं सर्च करता हूँ तो ये वाला फाइल दिखा रहा है साइन इन, और राइट साइड में मुझे दिखा रहा है क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो मैं अभी साइन इन में क्लिक किया। साइन इन में क्लिक करने के बाद देखिए मुझे साइन इन मांग रहा है। तो मैं मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड देके अभी साइन इन करूँगा। जब मैं साइन इन करता हूँ तो योर अकाउंट हैज बीन लॉक दिखा रहा है। तो मैं इसमें नेक्स्ट में क्लिक किया। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद एंटर योर फोन नंबर एंड वी विल सेंड ए सिक्योरिटी कोड दिखा रहा है। तो मैं मेरा कंट्री सिलेक्ट किया। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद मैं अभी मेरा मोबाइल नंबर एंटर करूँगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद मैं फिर अभी सेंड कोड में क्लिक करूँगा। सेंड कोड में क्लिक करने के बाद मुझे 40G का ओटीपी आएगा। देखिए मैं मेरा ओटीपी दे दे रहा हूँ। ओटीपी देने के बाद मैं फिर सबमिट में क्लिक करूँगा। सबमिट में जब क्लिक करता हूँ दिखा रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन अनब्लॉक दिखा रहा है। तो मैं कंटिन्यू में क्लिक किया। हेल्पर्स फॉर प्रोटेक्ट योर अकाउंट दिखा रहे हैं। व्हाट सिक्योरिटी इफ यू वुड लाइक टू ऐड दिखा रहे हैं। एंड अल्टरनेट ईमेल आईडी दिखा रहे हैं और ये फ़ोन नंबर दिखा रहा है। तो मैं फ़ोन नंबर को चूज किया। उसके बाद मैं फिर मेरा कंट्री सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं फिर मेरा मोबाइल नंबर एंटर करूँगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक किया। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद मुझे फिर से एक ओटीपी आएगा। देखिए मैं ओटीपी डाल के फिर नेक्स्ट किया। देखिए नेक्स्ट करने के बाद ये वाला पेज आएगा। तो आपको कॉन्टैक्ट नाउ में क्लिक करना है। डाउनलोड द माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर आप दिखा रहा है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट में क्लिक करना है आपको। वेरीफाई योर आइडेंटिटी दिखा रहा है। तो नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वेरीफाई योर फोन नंबर दिखा रहा है। वी विल सेंड ए वेरीफिकेशन कोड टू दिस नंबर टू वेरीफाई दैट दिस इज योर फोन नंबर। एंटर द लास्ट 4 डिजिट इंक्लूडिंग 40। तो आपका जो मोबाइल नंबर दिए हैं इसका लास्ट 4 डिजिट टाइप करके आपको सेंड कोड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वही नंबर होगा तो आपको एक 7 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी देने के बाद आपको वेरीफाई में क्लिक करना है। मैं
में फिर टोटल 70 OTP देके वेरीफाई में क्लिक किया। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा है मुझे ये वाला आपको आएगा, तो फिर से आपको डन में क्लिक करना है। देखिए मैं जब मैं डन में क्लिक करता हूँ टोटल मेरा अकाउंट एक्टिव होके टोटल लॉगिन होके फिर से आ गया। मैं फिर अभी मेरा वर्ड फाइल खोल रहा हूँ। जब मैं वर्ड फाइल खोल के फिर से जैसे आप एमएस ऑफिस का लॉगिन करते हैं फिर से आपको वही करना है। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड देके मैं मेरा एमएस ऑफिस को साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद देखिए यूज दिस अकाउंट एनीवेयर ऑन योर डिवाइस दिखा रहे, तो आपका ये ईमेल आईडी आप कहीं से भी आपका डिवाइस का कहीं से भी यूज कर सकते लिखा रहे। तो मैं नेक्स्ट में क्लिक किया। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दिखाई मेरा साइन इन जो दिखा रहा था इसमें मेरा नाम आ रहा है, तो मैं फिर अभी फाइल में जाऊंगा। देखिए मैं फिर फाइल में गया। फाइल में जाने के बाद मैं फिर अकाउंट में गया। अकाउंट में जाके दिखा तो प्रोडक्ट एक्टिवेट दिखा रहा है और यूजर इन्फॉर्मेशन में मेरा नाम और ईमेल आईडी दिखा रहा है। तो मैं अभी मेरा एमएस ऑफिस का वर्ड एक्सेल का काम आसानी से कर सकता हूँ।